डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर वीजा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हिंदी पाठकों के लिए अंग्रेजी से इसका हिंदी अनुवाद सविता पाठक ने किया है। इस आत्मकथा के संपादक प्रोफेसर फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिचर्ट ने आंतरिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया है कि ये 1935 या 1936 की रचना है। वेटिंग फॉर वीजा का प्रकाशन सबसे पहले पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1990 में हुआ था। इसकी पांडुलिपि भी वही उपलब्ध है। चैप्टर नंबर 1, बचपन में बुरा सपना बनी कोरेगांव की यात्रा। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित डापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक तक पहुंचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहां पर फिर से बस जाएं। लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहां हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1909 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खाटव तालुके के कोरेगांव के खजांची की नौकरी पर थे। वहां मुंबई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के दो बेटे, बहन की मौत हो चुकी थी। मेरी बुआ और कुछ भले पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी बुआ काफी भली थी, लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी। वे कुछ नाटी थी और उनके पैरों में तकलीफ थी, जैसे वे बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ कुछ दूरी पर रहती थी। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी बुआ शारीरिक क्षमता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम चार बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। पुलाव बनाना सबसे आसान था, क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता था। मेरे पिता खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारे से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे ये सोचकर भी काफी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई। सफर के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे ये लिख भेजना, ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दें जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूमते हुए घर से निकले, लेकिन बुआ हमारी विदाई पर अपना दुख रोक नहीं सकी और जोर जोर से रोने लगी। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे वो बहन के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2-2 आना दिए। हम फौरन शाह खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ताकि कहीं छूट न जाए। हमें कहा गया था कि मसूर में उतरना है
जो कोरी गांव का सबसे नजदीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरे गांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरे गांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। लेकिन हिंदुओं में जैसा आम तौर पर होता है, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं। बंबई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते हैं। वो दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर तृष्णा का भाव साफ देख सकते थे। वो फौरन अपने कमरे की ओर चला गया। हम वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे और अगर बहुत दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहां किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दुना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी कम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वो गाड़ी वालों के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हें दोगुना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहे। एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे दुना किराया मिल रहा था, वो अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हम इस बात से चिंतित थे कि अंधेरा होने से पहले हम कोरेगांव पहुंच पाएंगे कि नहीं। इसलिए हम निश्चिंत होने के बाद ये स्टेशन छोड़ना चाहते थे कि हम अंधेरे होने के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हममें से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूर पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खाए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वो जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। बुआ ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफिन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हममें से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें से तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफिन बंद कर दिया और गाड़ीवान का इंतजार करने लगे। काफी देर तक वो नहीं आया। हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वो आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम चले होंगे, अचानक गाड़ीवान कूद कर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा।
हम चकित थे कि ये वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से जल्दी कारीगांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन कोरे गांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अभी हमारे मन में ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा है कि हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उससे पूछने लगे कि कोरे गांव और कितना दूर है। वो कहता जा रहा था, ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, वो देखो चुंगी वाले की बत्ती है, रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसकी दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां रात गुजार रही हैं। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन वो चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहाँ से ले आओ। मैं अपना समूह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। बैल खोल दिए गए और गाड़ी जमीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है। और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हम सभी को एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वो कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुंचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वो उन्हें देना भूल गया था। इस घटना की मेरे जीवन में काफी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं ये भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वो बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं बोरा रोज घर लेकर जाता और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर जी की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे, ऐसा नहीं था।
हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं हो ऐसी बात भी नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी धोता नहीं था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। मैं ये सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य था, जैसा कि स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आम तौर पर होता है। अध्याय 2। पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली। पश्चिम से मैं 1916 में भारत लौटा। महाराजा बड़ौदा के बदौलत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गया था। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पढ़ाई की और 1917 में मैं लंदन चला गया। मैंने लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक में दाखिला लिया था, लेकिन 1918 में मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आना पड़ा। क्योंकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, इसलिए उसकी सेवा करने के लिए मैं मजबूर था। किन वजहों से मैंने बड़ौदा स्टेट छोड़ा, उनका मेरे आज के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए यहां मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ बड़ौदा में मुझे किस तरह के सामाजिक अनुभव हुए उसी पर बात करूंगा और उसी को विस्तार से बताने तक खुद को सीमित रखूंगा। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास ने मेरे भीतर से ये भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूँ। ये भी भाव मिट गया था कि भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो वो खुद अपने और दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करता है। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था कि मैं कहां जाऊं, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था। हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था उनको मैं पहले से ही जानता था, वे मुझे नहीं रखेंगे। वहां रहने का एकमात्र तरीका था कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसके क्या परिणाम होंगे, वो पहले से नियत थे। यूं तो मेरे कुछ मित्र बड़ौदा के थे जो अमेरिका पढ़ाई करने गए थे, अगर मैं उनके यहां गया तो क्या वो मेरा स्वागत करेंगे। मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर सका। हो सकता है कि एक अछूत को अपने घर में बुलाने पर वो शर्मिंदा महसूस करें। मैं थोड़ी देर तक किसी पशुपेश में स्टेशन पर खड़ा रहा, फिर मुझे सूझा कि पता करूं कि कैंप में कोई जगह है क्या। तब तक सारे यात्री जा चुके थे, मैं अकेला बच गया था। कुछ एक गाड़ी वाले जिन्हें अब तक कोई सवारी नहीं मिली थी वो मुझे देख रहे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और पता किया कि क्या कैंप के पास कोई होटल है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वो पैसा लेकर ठहरने देते हैं। पारसी लोगों द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। पारसी ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उनके द्वारा अछूत होने का भेदभाव होने का कोई डर नहीं था। मैंने गाड़ी में अपना बैग रख दिया और ड्राइवर से पारसी सराय में चल देने के लिए कह दिया। ये एक 2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था। वो ही इसकी देखरेख करते थे और जो लोग रुकने आते थे उनके खान पान की व्यवस्था करते थे। गाड़ी पहुंची। पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। मैं ऊपर गया और इसी बीच गाड़ीवान ने मेरा सामान लाकर रख दिया। मैंने उसको पैसे देकर विदा कर दिया। मैं खुश था कि मेरे ठहरने की समस्या का समाधान हो गया है। मैं कपड़े खोल रहा था, थोड़ा सा आराम करना चाहता था। इसी बीच केयरटेकर एक किताब लेकर ऊपर आया। उसने जब मुझे देखा कि मैंने सदरी और धोती, जो कि खास पारसी लोगों के कपड़े पहनने का तरीका है, नहीं पहना था, तो उसने तीखी आवाज में मुझसे मेरी पहचान पूछी। मुझे मालूम नहीं था कि ये पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। मैंने बता दिया कि मैं हिंदू हूं। वो अचंभित था और उसने सीधे कह दिया कि मैं वहां नहीं ठहर सकता। मैं सकते में आ गया और पूरी तरह शांत रहा। फिर वही सवाल मेरी ओर लौट आया कि कहां जाऊं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि भले ही हिंदू हूं, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहां ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया कि तुम यहां कैसे ठहर सकते हो, मुझे सराय में ठहरने वालों का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। मुझे उनकी परेशानी समझ में आ रही थी,
मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है अगर मुझे नहीं है तो? तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि तुम तो कुछ पैसे ही कमाओगे। मैं समझ रहा था कि वो पिघल रहा है। वैसे भी उसके पास बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया था और वो थोड़ा कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं उसको 1.5 रुपए ठहरने और खाने का दूंगा और रजिस्टर में पारसी नाम ही लिखूंगा। वो नीचे गया और मैंने राहत की सांस ली। समस्या का हल हो गया था। मैं बहुत खुश था। तब तक मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरी खुशी कितनी क्षणिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सराय वाले किस्से का दुखद अंत बताऊं, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस छोटे से अंतराल के दौरान मैं वहां कैसे रहा। इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा और उसी से जुड़ा हुआ स्नान घर था, जिसमें नल लगा हुआ था। उसके अलावा एक बड़ा हॉल था। जब तक मैं वहां रहा, बड़ा हॉल हमेशा टूटी कुर्सियों और बेंच जैसे कबाड़ से भरा रहा। इसी सब के बीच मैं अकेले यहां रहा। केयरटेकर सुबह एक कप चाय लेकर आता था, फिर वो दोबारा 9:30 बजे मेरा नाश्ता या सुबह का कुछ खाने के लिए लेकर आता था, और तीसरी बार वो रात 8:30 बजे रात का खाना लेकर आता था। केयरटेकर तभी आता था जब बहुत जरूरी हो जाता था, और इनमें से किसी भी मौके पर वो मुझसे बात करने से बचता था। खैर, किसी तरह ये दिन बीते। महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखागार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षु की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को 10 बजे छोड़ देता था और रात को तकरीबन 8 बजे लौटता था, और जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ ही समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट के रात बिताने का विचार ही मुझे डराने लगता था। मैं वहां सिर्फ इसलिए लौटता था क्योंकि इस आकाश तले मुझे कोई और ठोर नहीं था। ऊपर वाली मंजिल के कमरे में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल घुप अंधेरे में रहता था। वहां कोई बिजली का बल्ब, यहां तक कि तेल की बत्ती तक नहीं थी, जिससे अंधेरा थोड़ा कम लगता। केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दीपक लेकर आता था, जिसकी रोशनी बमुश्किल कुछ इंच तक ही जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे सजा मिली है। मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदमी न होने की वजह से मैंने किताबों का साथ लिया और उन्हें पढ़ता गया। मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि अपनी तन्हाई भूल गया। लेकिन उड़ते चमगादड़, जिनके लिए वह होल उनका घर था, उनकी चेचे की आवाजें अक्सर मेरे दिमाग को उधर खींच लेती थी। मेरे भीतर तक सिहरन दौड़ जाती थी, और जो बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा था वो मुझे फिर से याद आ जाती थी कि मैं एक अजनबी परिस्थिति में एक अजनबी जगह पर हूं। कई बार मैं बहुत गुस्से में भर जाता था। फिर मैं अपने दुख को और गुस्से को इस भाव से समझाता था कि भले ही ये जेल थी, लेकिन एक ठिकाना तो है। कोई जगह न होने से तो अच्छा है कोई जगह होना। मेरी हालत इतनी खराब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बंबई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया तो वो जोर जोर से रोने लगा, और मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं एक पारसी सराय में पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि यह नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकता और मुझे किसी दिन पहचान लिया जाएगा, इसलिए मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका पर उस गहराई से ध्यान नहीं दिया जैसी मुझे जरूरत थी। मेरी याचिका एक अफसर से दूसरे अफसर तक जाती रही, इससे पहले कि मुझे निश्चित उत्तर मिलता, मेरे लिए वो भयावह दिन आ गया। वो सराय में 11वां दिन था। मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था और तैयार हो गया था, और कमरे से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मैंने पुस्तकालय से उधार ली थी, उनको उठा रहा था कि तभी मैंने सीढ़ी पर कई लोगों के आने की आवाज सुनी। मुझे लगा कि यात्री ठहरने के लिए आए हैं, और मैं उन मित्रों को देखने के लिए उठा। तभी मैंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा। उनके हाथ में डंडे थे। वो मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मैंने समझ लिया कि यात्री नहीं है, और इसका सबूत उन्होंने दे भी दिया। वो सभी लोग मेरे कमरे में इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? तुम यहां क्यों आए हो? बदमाश आदमी, तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कह सका।
ये वास्तव में एक धोखा था और धोखा पकड़ा गया। मैं ये जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखता तो वह मेरी जान लेकर छोड़ते। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचने से बचा लिया। कमरा कब खाली करोगे? एक ने मुझसे पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी छिपी थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते हुए तोड़ी कि एक हफ्ते में मंत्री मेरी बंगले की दरख्वास्त को मंजूर कर लेगा और उनसे विनती की कि मुझे एक हफ्ता और रहने दो। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि उन्हें शाम तक मैं इस सराय में नजर न आऊं। मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा और चले गए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरा दिल बैठ गया था। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट के रोया। अंततः मैं अपनी कीमती जगह, जी हां, मेरे रहने के ठिकाने से वंचित हो गया। वो जेल खाने से ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती था। पारसियों के जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्याएं तात्कालिक थी और दोस्तों के पास इसका कोई ना कोई उपाय मिल सकता था। बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू था, दूसरा क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के यहां गया और बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी है। वो बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीबी दोस्त भी था। वो उदास और गुस्सा था। फिर उसने एक बात की ओर इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने उसके आशय को समझा और अपने घर में ठहराने के लिए नहीं कहा। फिर मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहां जाना भी उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया तो था, तब मैंने पारसी सराय में रुकना ही सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था। अब जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहां जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपनी भारतीय क्रिश्चियन मित्र से पूछा कि क्या वो अपने यहां मुझे रख सकता है। जब मैंने ये सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है और उससे पूछकर बताएगा। मैं समझ गया कि ये एक चालाकी भरा जवाब है। वो और उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। उम्मीद की ये किरण भी बुझ गई। उस समय शाम के 4 बज रहे थे जब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला था। मैं कहां जाऊं, मेरे लिए विराट सवाल था। मुझे सराय छोड़नी ही थी, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहां मैं जा सकता था। केवल एक विकल्प था कि मैं बंबई वापस लौट जाऊं। बड़ौदा से बंबई की रेलगाड़ी रात 9 बजे को थी। 5 घंटे बिताने थे मुझे। कहां बिताऊं, क्या सराय में जाना चाहिए, क्या दोस्तों के यहां जाना चाहिए। मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मेरे ऊपर हमला कर देंगे। मैं अपने मित्रों के यहां भी नहीं गया। भले ही मेरी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाथी बाग, सरकारी बाग में समय बिताना तय किया। मैं वहां कुछ अनमनस्क भाव से बैठा और कुछ इस उदासी से कि मेरे साथ ये क्या घटा। मैंने अपने माता पिता के बारे में, जब हम बच्चे थे उन दिनों के बारे में और बदतर दिनों के बारे में सोचा। 8 बजे रात को मैं बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली, अपना सामान लिया। ना तो केयरटेकर और ना ही मैं, दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वो कहीं ना कहीं खुद को मेरी हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया, उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों से गया था और उसके लिए कई दूसरे बड़े मौके भी ठुकराए थे। ये युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे,
मैं कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहां मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े हैं और मैं उनके सामने भयभीत नजरों से दया की भीख मांगता खड़ा हूं, वो 18 साल बाद भी धूमिल नहीं हो सका। मैं आज भी उसको जस का तस याद कर सकता हूं, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और मेरी आंखों में आंसू ना आए हों। उस समय मैंने ये जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है। चालीस गांव में आत्मसम्मान, गवारपन और गंभीर दुर्घटना। ये बात 1929 की है। बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी, इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्यों को खानदेश के 2 जिला में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत से मिलने चला गया और मैं बंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं दुलिया लाइन पर चालीसा गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतर गया। यहां पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहाँ रात रुकने का अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वो लोग बहुत इच्छुक थे और मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए दुलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जांच की और अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत दलित मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ी थी जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा कि सीधे महारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस ओर कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नजदीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि चालक, जो कि रोज तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखिया जैसे चला रहा था। ये दुर्घटना इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर लिया। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे ना जाके तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले के पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेज गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच से महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई जगह चोट लगी थी। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिन तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी उस तरह की गलती नहीं हुई।
स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल जाऊं। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो भी देखते कि क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो ये था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव में महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाले की भी भले ही वो कटने का काम करता हो एक गरिमा है। वो खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। अध्याय 4, दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना। ये 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा था। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। ये तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। वेरुल जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। ये हैदराबाद के महामहिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का ही हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। और इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना शामिल कर लिया। हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने बुझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। दरअसल हम कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती हैं। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था वही जगह बताई थी। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गांव में गुजरने के दौरान हम लोगों से कोई भी आदमी मिलने नहीं आया। दौलताबाद में निश्चित ही अलग स्थिति थी। वहां हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतरकर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किला देखने का तय किया गया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का बहुत मन था लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय जरूर पिएंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले की फाटक पर थे। ये रमजान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ, इसलिए बिना कुछ खासा सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धो लिया। उसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वहां हथियारबंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएं। लेकिन इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थेर अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। थेड़ों का दिमाग खराब हो गया है, थेड़ों को अपना धर्म भूल गया है, इनकी औकात क्या है,
ठेड़ो को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया जो उस वक्त फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, वे लोग जब हम टैंक के पास थे तब तो वो वहां थे ही नहीं। ये पूरी तरह से हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गाली देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे। भीड़ में से एक नौजवान मुसलमान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वो मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहां रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा। मैंने कागज पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते। और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो देख सके कि हम उसके आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत ही होता है। चैप्टर नंबर 5। डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई। ये घटना कठियावाड़ में एक गांव की अछूत स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल यंग इंडिया में ये घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव से बताया कि कैसे उसकी पत्नी, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गई। पत्र कहता है, इस महीने की 5 तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और 7 तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त शुरू हो गई, उसकी नब्ज धीमी हो गई और छाती फूलने लगी। उसको सांस लेने से तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द होने लगा। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वो एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और ना ही वो बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहां से नगर सेठ और गारीसाय दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं डॉक्टर को 2 रुपए दे दूंगा। तब जाकर डॉक्टर आया, लेकिन उसने इस शर्त पर मरीज को देखा कि वो हरिजन बस्ती के बाहर मरीज को देखेगा। मैं अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे दिया और मैंने अपनी बीवी को। फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। ये तकरीबन रात के 8 बजे की बात है। बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाइयां भेजी। मैं बाजार से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और मरीज को लगाया। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने उनको 2 रुपए दिए थे। बीमारी खतरनाक थी, अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता था। मेरी जिंदगी की लौ बुझ गई। आज दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षक का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से डॉक्टर का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अछूत शिक्षक ने बदले की कार्यवाही के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही है।
इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वो जिस पेशे से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम कानून हैं। हिंदू किसी अछूत को छूने की बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा कलर को नौकरी छोड़नी पड़ी। इस कड़ी में एक और घटना है। 6 मार्च 1938 को कासरवड़ी यानी वुलन मिल के पीछे दादर बंबई में इंदुलाल यादनिक की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयां किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने बंबई म्युनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए तलाती पद यानी गांव का पटवारी के लिए आवेदन किया और सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मैं बारसार तालुका के खेड़ा जिले में मामलातदार के कार्यकालय में तलाती पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। मैं यहाँ पहली बार आया था। उसी तरह से मैं ये नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे अछूत होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं मामलातदार ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया जब मैं तलाती का पद संभालने वहाँ पहुँचा। कारकुन ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक अछूत हूँ। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो, अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता। हिम्मत तो देखो, यहाँ नौकरी करने आया है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ जमीन पर रख दो। जब मैं बरसाड़ के मामलातदार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के लिए डिब्बे रखे थे और वहां पर एक इन डिब्बों की जिम्मेदारी और पानी पिलाने के लिए आदमी बैठा हुआ था। उसका काम था कि ऑफिस के क्लर्कों को जब भी जरूरत हो पानी पिलाया जाए। उसकी अनुपस्थिति में वो लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी निकाल कर पीते थे। मेरे मामले में ये बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था, मेरे छूते ही वो पानी दूषित हो जाता। इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए खराब सा बर्तन रखा था जिसे मेरे सिवाय न कोई छूता था और न कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी ढाल देता था लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वो पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को भी मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वो वहां से सरक लेता। नतीजतन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे एक दो दिन नहीं थे बल्कि कई दिन थे जिसमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी। मैं बारसाड़ में अजनबी था, कोई भी मुझे घर देने को तैयार नहीं था। बारसाड़ के अछूत भी अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि वह उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं एक क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज्यादा रहूं। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह शाम भाजस खरीदकर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता था और रात को मामलातदार ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरीके से मैंने कुल 4 दिन बिताए। ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गांव जंतराल चला गया। ये बलसाड़ से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। ये सब मैंने कुल 1.5 महीने किया। उसके बाद मामलातदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस तलाती के पास 3 गांव जंतराल, खांपुर और सैजपुर का जिम्मा था। जंतराल उसका मुख्यालय था। मैं जंतराल में इसी तलाती के साथ 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया। गांव का मुखिया खासतौर पर मेरा विरोधी था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुहारी करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। देख लो, बेहतर यही होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाती ने मुझे सैजपुर जनसंख्या सारिणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंतराल से सैजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।
मैं वहां करीबन 15 मिनट तक खड़ा रहा। मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से और भी परेशान हो गया था। मैं वहां पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देख मुखिया और तलाती मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वो मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। रवानिया यानी गांव के नौकर की ओर देखकर वो बोलने लगा, किस गंदे भंगे कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया। रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वो एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धारिया यानी गंडासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे माफ कर दें, मेरे ऊपर रहम करें। इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार कोंधा कि मैं मामलादार को अपने ऊपर बीती है उसे लिखकर बताऊं और ये भी बताऊं कि अगर ये भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करें। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर उस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलादार को इस घटना के बारे में बता रहा हूं तो वे शायद अपना हाथ रोक ले। मैंने रवानिया से कागज लाने को कहा। वो कागज लेकर आया। फिर मैंने अपनी पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। सेवा में मामलादार तालुका बरसाड़ महोदय, परमार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूं कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे को पढ़ा और उसको फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो? ऑफिस में बैठना चाहते हो? कुर्सी पर बैठना चाहते हो? मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वादा किया कि ऐसा कभी नहीं करूंगा, और ये भी वादा किया कि मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा। मैं वहां रात के 7 बजे तक भीड़ के छट जाने तक रोका गया। तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बंबई लौट आया। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।